ये है पनीर, तो मैं इसको काट रहा फिंगर में, ये देखिए। तो इसका बनेगा क्या, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि मैं क्या बनाने वाला हूं। तो मैं आज बनाने वाला हूं पनीर फिंगर पकोड़ा। पूरी बारिश खत्म हो गई, लगभग खत्म ही हो चुकी है, और मैंने एक भी पकोड़े का आइटम नहीं बनाया। तो आज आपके लिए लेके आ गया हूं बहुत ही स्पेशल मजेदार रेसिपी, क्या, पनीर फिंगर पकोड़ा। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, पनीर को काट देना है ऐसे जैसे कि मैं काट रहा हूं फिंगर में, ये देखिए इस तरीके से, देख रहे ना आप। और ये आपकी मर्जी है, आप इससे मोटा भी काट सकते हैं और इससे पतला भी काट सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसा काट लें। काटने के बाद आपने क्या करना है, एक बॉल में डालना है, देखिए इस तरीके से जैसे कि मैंने डाले, और इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें डालना है देखिए काला नमक आधे से आधा टीस्पून, आधा टीस्पून ये लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून ये कसूरी मेथी, आधे से आधा टीस्पून अजवाइन, देखिए। और अपने पकोड़े को अलग सा टेस्ट देने के लिए आपने इसमें डालना है आधा टीस्पून कुटी हुई सौंफ, और ये देखिए ऐसे इनको मिला देना है। इससे क्या होगा, मसाला चारों तरफ लग जाएगा आपके पनीर में और बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनेंगे। देखिए ऐसे मिक्स करके आपने रख देना है इसको साइड में। उसके बाद आपने लेना है एक डिप बॉल, डिप बॉल के अंदर आपने डालना है बेसन 300 ग्राम। बेसन डालने के बाद आपने डालना है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली पेस्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 2 पिंच बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी आधा टीस्पून, और आपने थोड़ी सी लाल मिर्च डालना है थोड़ी, बस आधा टीस्पून, ज्यादा ना डालें नहीं तो क्या होगा कलर खराब हो जाएगा। और आज मैं इसमें एक चीज डालने वाला हूं, आप भी जरूर डाल के बनाएं, वो है ये लेमन जूस, ये देखिए 2 टेबल स्पून। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डालना है थोड़ा पानी, ये देखिए, और ऐसे मिक्स कर लेना है। पहले थोड़ा पानी डालें और मिक्स करें, ताकि उससे क्या होगा जो भी बेसन में गांठ होगी वो गांठ खत्म हो जाएगी। देखिए देख रहे हैं ना आप, अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे फिर ऐसे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, गांठ खत्म नहीं होगी। और इसका फायदा क्या है, थोड़ा पानी डालने के बाद आप ऐसे ज्यादा मेहनत करेंगे तो क्या होगा, आपका बेसन हल्का भी हो जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है आप जब भी पकौड़ा बनाए। तो ये देखिए अब मैं ऐसे इसको मिक्स करूंगा फिंगर से, तो ये एकदम हल्का हो जाएगा इस तरीके से, देखिए ऐसे। तो आपने भी ऐसे अच्छे से मिक्स करना है धीरे धीरे, ताकि आपका बेसन एकदम हल्का हो जाए। ऐसे फेंटने के बाद आपने क्या करना है, आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, कुछ कम हो आपके टेस्ट के हिसाब से तो डाल सकते हैं, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है। तो अब आपने क्या करना है, फ्राई करना है पकौड़े, कैसे दिखाता हूं। फ्राई करने से पहले आपको एक चीज समझा देता हूं, सबसे पहले आपने इसकी थिकनेस का ध्यान रखना है, देखिए ऐसे थिकनेस होना चाहिए, आपकी उंगलियों के ऊपर बेसन लगा हुआ रहे, मतलब एकदम उंगली साफ ना हो जाए जब आप ऐसे करें, देख रहे हैं ना आप कैसे मेरी उंगली में लगा हुआ है, तो ऐसे लगा हुआ होना जरूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने पनीर मैरिनेट करके रखा था वो इसमें डाल देना है, देखिए ऐसे देख रहे हैं ना, इस तरीके से रख लें सिंगल सिंगल, ऐसे आपने रख लेना है। अब फ्राई कैसे करना है, ऐसे डुबाना है, देखिए एक पीस, और ऐसे उठाया और तेल में डाल देना है, और आप देख रहे हैं ना कैसे पनीर के ऊपर मसाला चिपका हुआ है, तो ऐसे ही चिपका होना चाहिए पनीर, एकदम दिखने ना लगे, एक चीज का आपने रखना है ध्यान। तेल में पकौड़ा छोड़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, तेल ऐसा साफ होना चाहिए और गर्म होना चाहिए और गैस स्लो होना चाहिए, उसके बाद ही आपने ऐसे पकौड़े डालने हैं, देखिए जैसे कि मैंने डाले, देख रहे हैं आप, अब इतने बेहतरीन आपके पकौड़े बनेंगे ना जिसकी कोई हद नहीं, एकदम चमकीले। और तेल में पकौड़े डालने के बाद आपने तुरंत इसको ऐसे हिलाना झुलाना नहीं है, थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहने दें, उसके बाद आपने चलाना है। थोड़ी देर के बाद होगा क्या, पकोड़े अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे, देखिए कैसे आ गए, देखें ना आप, इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया हो गए।
तो आपने ऐसे प्याज से चला देना है और इनकी शक्ल पहले आपको दिखाता हूँ फिर आगे की बात बताऊंगा। देखिए कितनी बढ़िया शक्ल हुई है, देख रहे ना आप। तो अब आपने क्या करना है, जब ऐसी शक्ल हो जाएगी तब गैस करना है फास्ट और फटाफट कलर ले लेना है, क्योंकि इसमें कुछ कच्चा है नहीं, पनीर पहले से पका हुआ होता है, पनीर में कुछ भी कच्चा होता नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अभी पकौड़े में कलर लेना है बढ़िया जैसा आपको चाहिए। तो मैंने गैस फास्ट कर दी है, आपको आवाज़ सुनाई दे गई होगी, और सिर्फ मैं बढ़िया कलर आने का इंतज़ार करूँगा और फटाक से पकौड़े निकाल के और आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं अब पकौड़े में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया, देख रहे हैं आप। तो अब मैं क्या करूँगा, पकौड़े निकाल लूँगा, तो आप भी जब ऐसा कलर आ जाएगा तब निकाल लें। आप चाहें तो बड़े झारे से ऐसे एक साथ निकाल सकते हैं जैसे कि मैं निकाला, या फिर छोटे झारे से एक एक करके निकाल लें, ये है आपकी मर्जी। ये देखिए कलर कितना बेहतरीन हो गया, मतलब मज़ा आ जाएगा खाने में। तो मैं सब निकाल ले रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से निकाल लें। ये देखिए पहले मैं इसके ऊपर डालूंगा, उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ना प्लेट गार्निश मार के रखिए, इसमें डालूंगा। इसमें क्यों डालूंगा ये भी आपको बताता हूं, क्योंकि कभी बाय मिस्टेक तेल हो तो यहां पर नचुड़ जाए। आप जब भी कोई फ्राई आइटम बनाते हैं डायरेक्ट उस बर्तन में ना डालें जिसमें आपने सर्व करना है, पहले दूसरे बर्तन में डालें फिर उसमें डालें। और यहां पर ही आपने ये देखिए ऐसे चाट मसाला छिड़क लेना है, और ये धनिया के पत्ते। फिर आपने क्या करना है, ऐसे देखिए मिक्स कर लेना है, ताकि जो भी आपकी प्लेट गंदी होने वाली है यहां पर ही हो जाए, जिस प्लेट में आपने सर्व करना है वो गंदी ना हो। फिर ऐसे रखा, और ये देखिए पकोड़े हैं पीकअप, मजेदार पकोड़े, देखते ही मुंह में पानी आने वाले पकोड़े हैं ये। देख रहे ना आप क्या शक्ल हुई है इनकी, खूबसूरती तो देखते ही बनती है, और टेस्ट, टेस्ट का तो कोई जवाब नहीं है। एक खाके दिखाता हूं ताकि आपको पता हो कितने मस्त हुए हैं। लाजवाब है, क्यों, जो इसकी कोटिंग है ना, पहले वो दिखाता हूं, देखिए कितनी पतली है, मजेदार, और उसमें भी टेस्ट है, और जो हमने पनीर को मैरिनेट किया था उसमें भी टेस्ट है। इसकी वजह से बहुत ही मस्त लग रहा है, मतलब मजा आ जा रहा है। अब आपने क्या करना है, अगर आपको मजा आया तो ये देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।